फ्रैंकलिन, मुझे तो दूर दूर तक आज कोई भी गॉड नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है सारे गॉड दुनिया छोड़ के चले गए क्योंकि वो बोर हो गए होंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा, चल अच्छा ही हुआ, नहीं तो डेली कुछ ना कुछ ही मुसीबत होती रहा करती थी। ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसे गाइस, आप सभी के एक मिनट, टोनी स्टार्क मेरे पीछे भी कुछ भी नहीं था लिटरली में गाइस, आपने देखा था ना। लेकिन ये पोर्टल कहाँ से आ गया? क्या फ्रैंकलिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी तो देखूं। अबे देखना, ओ माय गॉड, मेरी मदद करो इंसानो, अगर मेरी मदद करो तो मैं बदले में तुम्हें स्पेशल गिफ्ट दूंगा। अबे ये किसकी आवाज आ रही है? मैं दूसरे यूनिवर्स का ऑल फादर गॉड हूं। अबे टोनी स्टार्क, मत जाना इसके अंदर, मत जा भाई। जाने दे फ्रैंकलिन मुझे, मैं भी तो देखूं इस पोर्टल के अंदर क्या है। फ्रैंकलिन बचा मुझे। ओह नो गाइस, ये क्या चल रहा है? आप जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे मुझे मदद मिलेगी स्टार्क को बचाने में। ये क्या चल रहा है? ये पोर्टल मेरे स्टार्क को खा गया। नहीं टोनी स्टार्क, मत, ये बचा लूंगा। ये कौन सी दुनिया में आ गया गाइस? लगता है जैसे कि यहां सब कुछ तबाह हुआ पड़ा हो। देखिए फ्रैंकलिन तो आ गया। हाँ मैं आ गया। अबे फ्रैंकलिन, ये दुनिया तो पूरी तरह से तबाह है, और उधर रो कौन रहा है? मुझे नहीं पता भाई, उसने तो शायद हमको बुलाया। प्लीज मेरी मदद करो इंसानो। ओ माय गॉड, हम कहाँ पर हैं? तुम असल में पैरेलल यूनिवर्स में हो। तुम्हारी धरती जैसे दिखने वाला ये भी एक दूसरा धरती प्लेनेट है, और यहाँ किसी दूसरे प्लेनेट का मैं एक समय पर ऑल फादर गॉड हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा आपके साथ क्या हो गया जो आप इतने छोटे बन गए? आप मतलब विशाल हुआ करते थे ना। बिल्कुल सही कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे मेरी पावर्स लाने में तो मैं दुनिया का तुम्हें एक नया गॉड बना दूंगा। क्यों, नई दुनिया का नया गॉड? बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या था आपके साथ, बताओगे? बताता हूँ मेरे बच्चों, बताता हूँ। एक समय की बात है, इस दुनिया को जब मैं बिल्ड करना चाहता था, इस दुनिया में तरक्की लाना चाहता था, अच्छाई लाना चाहता था, तब मैं हुआ करता था ऑल फादर टेन हेडेड स्पेशल गॉड। मेरे पास सन गॉड का सूट था, स्टार गॉड का सूट था, स्काई गॉड का सूट था, साथ साथ में यहां पर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के सूट्स थे, और मेरे पास उन सभी की सुपर पावर्स भी हुआ करते थे। अबे फ्रैंकलिन, ये तो बिल्कुल हमारे गॉड्स जैसा ही ऑल फादर गॉड है दूसरे यूनिवर्स का। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतने खतरनाक गॉड की सुपर पावर्स को ऐसा क्या हुआ? बताता हूं मेरे बच्चों, बताता हूं। इन सभी पावर्स का इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया में तरक्की लाना चाहता था, लेकिन कुछ गॉड्स को वो तरक्की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उन्हीं में से एक स्टार गॉड था। लेकिन स्टार गॉड तो आपके पास है ना? बिल्कुल सही कहा, उसका छोटा वर्जन जो मेरे हेड को छीनना चाहता था उसने मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ओह माय गॉड गाइस, देखिए ऑल फादर गॉड पर ये स्टार गॉड छोटा सा कैसे अटैक कर रहा है। उसके पास कोई अनंत मणि थी जिसका इस्तेमाल करके उसने स्काई गॉड की पावर छीन ली मुझसे और आसमान को काला कर दिया। ओह माय गॉड, ये स्टार गॉड तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला टोनी स्टार्क। उसके बाद मेरे बच्चों, उसने आसमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर मेरी दुनिया जो बनी भी नहीं थी उसको तबाह करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसने सबसे पहले अपना रियल हेड छीनने की कोशिश की मुझसे, जो कि उसका जायंट स्टार गॉड हेड था। ओ तो गाइस, यहां पर हमारे ऑल फादर गॉड के पास स्टार गॉड का रियल हेड था, जिस वजह से वो ऑल फादर गॉड इस पूरी दुनिया के गॉड्स को कंट्रोल कर पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों, उसने अपना स्टार गॉड का हेड मुझसे छीन लिया और उसका हेड पूरी तरह से बड़ा होता चला गया। ओ माय गॉड, इसी तरह से उसने मुझसे 4 से 5 हेड छोड़ छीन लिए। अब फ्रैंकलिन, ऑल फादर गॉड पहले 10 की जगह अब 5 बचा है, और यहां पर ये स्टार गॉड को देख कितना छोटा था कितना बड़ा हो गया है। उसके बाद उसने मुझे पूरी तरह से जमीन में दफना दिया मेरे बच्चों। लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी थी, मेरे अंदर उम्मीद थी कि मैं स्टार गॉड को एक ना दिन हराऊंगा, इसलिए मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत तो अब आने वाली थी। क्या, अरे आप मुझे डरा क्यों रहे ऐसा बोल के कि उससे बड़ी मुसीबत आने वाली थी? बिल्कुल, अब आने वाला था एक बहुत ही खतरनाक आइस गॉड। लेकिन एक मिनट, आइस गॉड तो ऑलरेडी आपके पास है सर। बिल्कुल, आइस गॉड का रियल जायंट हेड मेरे पास है, लेकिन उसका छोटा वर्जन आया और उसने मेरे पैरों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके पास अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मुझे हरा सके। इसी बात का फायदा उठाने के लिए मैंने भी अपने आइस गॉड की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहा, और मैं वापस से खड़ा हुआ मेरे बच्चों, लड़ने के लिए खड़ा हुआ, अपनी दुनिया अपने ब्रह्मांड को बचाने के लिए खड़ा हुआ। ओह माय गॉड गाइस, ये स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। फिर आगे क्या हुआ ऑल फादर गॉड? मैंने यहां पर अपने आइस गॉड वाले हेड की शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस छोटे से आइस गॉड को ठंड लगाना स्टार्ट कर दिया। वाह फ्रैंकलिन, हमारे हमारे ऑल फादर गॉड ने तो आइस गॉड को उसी के जाल में फंसा दिया है। उसके
बाद क्या हुआ, वो आइस गॉड वहां पर तब भी हार नहीं माना। उसके अंदर बदले की आग इतनी ज्यादा जल रही थी मेरे बच्चों कि उसने एक ही ब्लो में मेरे पांचों हेड्स को टुकड़ों में बदल दिया, मेरे बच्चों टुकड़ों में बदल दिया। ओह माय गॉड फ्रैंकलिन, देख इसको, ये आइस गॉड तो बहुत ही स्पीड में बहुत ज्यादा बड़ा जायंट होता जा रहा है। अरे हाँ, तो अभी सोचूं यहाँ का ब्रह्मांड, यहाँ की धरती हमारे धरती जैसी खूबसूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के गॉड्स पूरी तरह से करप्ट थे गाइस। और देखिए बेचारे ऑल फादर गॉड को जो अच्छा करना चाहता था उसको छोटा कर दिया। बिल्कुल मेरे बच्चों, जाओ जल्दी से उस स्टार गॉड से मेरी पावर्स ले आओ। बिल्कुल सर, हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद गाइस अगर हमने ऑल फादर गॉड की मदद कर दी तो ऑल फादर गॉड हमें एक दुनिया का गॉड बनाएंगे। मैं तो चाहता हूँ गॉड बनना, देखूंगा मैं किस तरह का गॉड बनूंगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। अरे मैं भी आ गया। फ्रैंकलिन ये क्या, यहाँ पर तो हम स्टार से घिरे हुए हैं भाई। ओ नो, ये कहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए हम गाइस? नहीं 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 नहीं, ऐसे समय में हम सभी को आपके लाइक की जरूरत है। बिल्कुल गाइस, प्लीज वीडियो को दबा कर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। एंड स्टार से बचने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर छुप छुप कर जाना होगा। लेकिन फ्रैंकलिन यहाँ हजारों की तादाद में स्टार्स हैं। बहुत तो सही कह रहा है टोनी स्टार्क। साथ साथ में एक मिनट, ये स्टार गॉड तो 180 था ना? अरे हाँ यार, मैं तो ध्यान ही दिया, ये तो 1080 हो चुका है। ओ इसके पास तो लिटरली में 8 से 9 हमारे ऑल फादर गॉड की पावर्स हैं, मतलब इसके पास अलग-अलग तरह के गॉड्स की पावर है। अरे फ्रैंकलिन तो मार रहा है। अरे भाई ये स्टार मार रहा है। तुम यहां क्यों आए हो? निकल जाओ, तुम हमारे ब्रह्मांड के नहीं लगते। अरे बिल्कुल, हम गलती से आ गए, प्लीज हमारी बात सुनो। अरे गाइस बहुत बुरे, टोनी स्टार्क बहुत बुरा मार रहे हैं यार, ये गॉड्स तो बड़े बुरे निकले, क्या ही पीटते हैं। अरे गाइस बच गया बाल-बाल। एक मिनट, मैं इन गॉड्स को छोड़ने नहीं वाला हूं। टोनी स्टार्क जल्दी उठ, हमें यहां पर इसकी पावर चुरानी है। बात तो सही कह रहा है फ्रैंकलिन, लेकिन इसकी पावर चुराने के लिए मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। तू करना क्या चाहता है? हमारे ऑल फादर गॉड प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। गाइस कमेंट में हेल्प मी ऑल फादर गॉड लिखो और हमारे फ्रैंकलिन को एक पोर्टल में बदल दो। क्या पोर्टल में? अरे भाई टोनी स्टार्क, ये क्या कर दिया तूने? गाइस मुझे टोनी स्टार्क ने एक सुपर पावर टाइप के पोर्टल में बदल दिया। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, अब जल्दी से आके अटैच हो जा मेरी बॉडी से। ओके गाइस, अभी टोनी स्टार्क क्या चाह रहा है? तो जल्दी से लेके चलता हूं। अभी देख मैं इन स्टार्स का कैसे उल्लू बनाता हूं। स्टार गॉड मैं, अरे बाप रे, ये तेरे को परमिशन नहीं है। मेरी बात सुनो स्टार्स, अपने गॉड के पास में जाने दो, क्योंकि यहां पर मेरी बात सुनो, तुम्हारे ऑल फादर स्टार गॉड के पास सिर्फ 9 शक्तियां हैं गॉड्स की। लेकिन कैसा हो मैं उनको एक और गॉड की शक्ति दूं? ये कौन से गॉड की शक्ति है? ये सन गॉड की शक्ति। ठीक है, जाते दे। वाह, देखा मेरा प्लान काम कर गया फ्रैंकलिन। ओह माय गॉड गाइस, टोनी स्टार्क ने मुझे सन गॉड की शक्तियों में बदल दिया था, अबे मैं दिखने लग गया। चिंता मत कर फ्रैंकलिन, जो हमारा काम था पहुंच गए, अब यहां पे आ चुके हैं। अब जल्दी से इस स्टार गॉड की 9 की 9 शक्तियों को चुराते हैं और अपने ऑल फादर गॉड को दे देंगे, मतलब दूसरी दुनिया के ऑल फादर गॉड को, और फिर वो बदले में हमें गॉड बनाएगा। तो लो गाइस ये करा। अरे ये क्या कर दिया? नहीं, तुमने मेरी पावर्स कैसे छीन ली? स्टार गॉड अब तो यहां पर पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। अरे बाप रे, यहां तो बहुत ठंडा पानी है गाइस, हमें जल्दी से यहां पे निकलना होगा वरना चटनी बन जाएगी। फ्रैंकलिन जल्दी निकलते हैं। आ रहा हूं स्टार, मैं भी आ रहा हूं। यहां से जाऊं कैसे? अबे सामने, अरे वो ऑल फादर गॉड, वाह मेरे बच्चे वाह, तू कितनी शक्तियां लेकर आया। ऑल फादर गॉड, हम आपके लिए पूरी की पूरी 9 शक्तियां लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके हेड 9 हो जाएंगे। क्या सच में? उसके बाद पक्का मैं तुम्हें ऑल फादर गॉड बना दूंगा दूसरी दुनिया का। ओ माय गॉड गाइस, देखिए एक मिनट, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक हेड गायब है जो कि आइस गॉड का हेड है, क्योंकि अभी हमें आइस गॉड के पास जाकर भी तो शक्तियां लानी होंगी। बिल्कुल कहा सही टोनी स्टार्क तूने, लेकिन पहले ये देख, ऑल फादर गॉड की दुनिया वापस से रिबिल्ड हो रही है, साथ साथ में यहां पर 9 हेडेड हो गए हैं। सर अब प्लीज हमें कोई गॉड का सूट दे दीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चों, इतनी आसानी से नहीं ऑल फादर गॉड, तुम अपने ब्रह्मांड को फिर से बनाना चाहते हो, वो भी दूसरी दुनिया के कीड़ों से मदद लेकर। हां ओ माय गॉड गाइस, टोनी स्टार्क देख इसको, अबे ये तो आइस गॉड आ गया। अरे नहीं, ये क्या आइस गॉड? नहीं, तू मेरी शक्तियां नहीं चुरा सकता। नो 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 गाइस, ये क्या? कमेंट में जल्दी से ऑल फादर गॉड ओपी लिखिए, ये आइस गॉड हमारे ऑल फादर गॉड की फिर से हैश चुरा रहा है। इस बार ऑल फादर गॉड मैं तुझे पूरा खत्म कर दूंगा और इन कीड़ों को भी। ए, हम कीड़े नहीं है समझा? बिल्कुल हम इंसान है समझा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे फ्रैंकलिन ये क्या, हमारे ऑल फादर गॉड के वापस से वो 5 हेड चुरा ले, 4 चुरा के ले गया और हमारा ऑल फादर गॉड सिर्फ 5 बचा है। मेरे बच्चों प्लीज जल्दी जाओ। लेकिन हम बिना पावर्स कैसे जाएं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सूट देता हूं। अबे फ्रैंकलिन तू क्या बन गया? मैं तो ऑल फादर गॉड हल्क फ्रैंकलिन बन चुका हूं, क्या बात है गाइस। इस पोर्टल में जाके हमें जल्दी से आइस गॉड से उसके हेड छीनने होंगे। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ऑल फादर गॉड का हेड मैं भी छीनूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर किसी दूसरी दुनिया का गॉड जो बनना है। अरे टोनी स्टार्क ये कहां गए हम? फ्रैंकलिन यार यहां का मौसम बहुत ठंडा है। अच्छी बात ये
मेरे पास आयरन मैन का सूट है, ओ मेरे पास ऑल फादर गॉड हल्क का सूट है, टोनी स्टार्क अभी हमें करना क्या है? फ्रैंकलिन वो छोड़ पहले ये देख, ऑल फादर आइस गॉड तो यहाँ पर फाइव हेडेड है और ये पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ है, अगर गलती से भी इसने हमें स्पॉट कर लिया हमें जमा के मार देगा। ये रही हमारे ऑल फादर गॉड की पांच पावर्स, हमें इनको चुरा कर यहाँ से निकलना होगा, वो भी इस आइस गॉड से बिना लड़ाई किए, क्योंकि हम इससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। ठीक है मैं चली जाता हूँ, इतनी आसानी से आ गए। हाँ अबे एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे आइस गॉड हमसे बात कर रहा है? वो सिर्फ वहम होगा, मुझे लगा भाई कोई बात नहीं है, चल जल्दी जल्दी जाते हैं। टोनी स्टार्क कुछ गड़बड़ है, ठंड लग रही है भाई इस कमेंट में, जल्दी फ्रैंकलिन ओपी लिखो, अभी बताता हूँ ये लो। अबे फ्रैंकलिन यार फंस गए, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस गॉड है, इसको पता था हम यहाँ है। बिल्कुल सही कहा, अरे बाप रे मैं तो चल भी नहीं पा रहा। फ्रैंकलिन अभी क्या करें, अभी तो सिर्फ यहाँ पर हम मरते जा रहे हैं, अरे बाप रे क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे गाइस नहीं नहीं नहीं, अब तो हमें अपने ऑल फादर गॉड से मदद मांगेगी, हेल्प मी ऑल फादर गॉड, गाइस कमेंट में हेल्प मी ऑल फादर गॉड लिखो, बिल्कुल ऑल फादर गॉड हमारी मदद कीजिए प्लीज। मेरे बच्चों तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा स्पेशल सुपर पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल करो, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम गॉड्स हो। ठीक है हम समझ गए, बिल्कुल सही कहा गॉड, हम अब यहां पर इस आइस गॉड को अपनी शक्ति दिखाते हैं। क्या बोला तुम अपनी शक्ति? अरे नहीं ये क्या हो रहा है? देखा यहां पर इस आइस गॉड की मैं बैंड बजा दूंगा, क्या बात है, देख फ्रैंकलिन मैं क्या खतरनाक और असर पड़ा हूं, मैं भी यहां पे ट्राई करता हूं। गाइस हम यहां पर ऑल फादर आइस गॉड को पूरी तरह से पिघला देंगे गर्मी बना बना कर। नहीं ये क्या कर दिया, अरे मेरे हेड चल रहे हैं। ओके गाइस फ्रैंकलिन यही सही मौका है, अब जितने यहां पर ही अपनी आग बुझाएगा अपनी ठंड का इस्तेमाल करके हम इस ऑल फादर आइस गॉड के हेड छीन लेते हैं। देख टोनी स्टार्क देख आइस गॉड यहां पे पिघलने लग गया, उसका पानी भी गिर रहा है लिटरली में, और वो तो जमीन में। एक मिनट लेकिन पावर कहां गई? ओ मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन कहां है। गाइस नहीं 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 वो पावर कहां पर है? बड़ी जोर से लग गई फ्रैंकलिन, कोई बात नहीं है फ्रैंकलिन कहां पर है तो उसकी सुपर पावर जल्दी ढूंढनी पड़ेगी। हो रही टोनी स्टार्क देख ये नहीं पावर, अरे क्या बात है फ्रैंकलिन, हमने यहां पर ऑल फादर आइस गॉड को सबक भी सिखा दिया, साथ साथ में अपने ऑल फादर गॉड की पावर्स को रिस्टोर भी कर लिया। अब जल्दी से ऑल फादर गॉड के पास वापस लौटते हैं, मेरे पे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है नए वर्ल्ड का नया गॉड बनने के लिए। सही कहा तूने बिल्कुल टोनी स्टार्क, तो चल जल्दी से अपने वाले ऑल फादर गॉड के पास चलते हैं, पूरी स्पीड में जाऊंगा गाइस। ओह माय गॉड गाइस ये रहा हमारा ऑल फादर गॉड, वाह मेरे बच्चों तुम आ गए, बिल्कुल ऑल फादर गॉड ये लीजिए आपके पांच हेड्स और बढ़ाने के लिए हम आइस गॉड को पूरी तरह से डिफीट करके आए, और इस बार चार की जगह पांच हेड लाए जिससे कि आप 10 हेडेड ऑल फादर गॉड बन जाओ। क्या बात है आइस गॉड का सूट वापस आ गया गाइस, आइस गॉड का सूट वापस आ चुका है, साथ साथ में सन गॉड का सूट भी वापस आ चुका है, और हमारे ऑल फादर गॉड वापस से कंप्लीटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे के पूरे 10 हेडेड बन चुके हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन अभी तो हमको गॉड भी बनना है। बिल्कुल मेरे बच्चों अब समय आ गया तुम्हारे स्पेशल गिफ्ट का, 1 2 3 अबे फ्रैंकलिन देख पहले हमारे पास ये सूट थे बिल्कुल, लेकिन गाइस अभी मेरे को ऑल फादर गॉड का जायंट हल्क वाला सूट मिल चुका है, और मेरे को मिला है ऑल फादर गॉड का जायंट आयरन वाला सूट। गाइस ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।